यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज अब सीखे फटाफट यूट्यूब चैनल पे मैं आपका अपना इंजीनियर प्रताप लेके हाजिर हूँ मॉर्निंग करंट अफेयर्स का वीडियो। आप लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। आज है 7 अप्रैल 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, साथ ही में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? आंसर है इसका DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और DMSRDO कानपुर को लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित करने के लिए बधाई दी है। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए भारत को इस तरह के नवीन उत्पाद डिजाइन और विकास करने की जरूरत है। DMSRDO कानपुर एक DRDO प्रयोगशाला ने लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है जिसका वजन 9 किलोग्राम मात्र है जो भारतीय सेना की गुणात्मक आवश्यकताओं को पूरा करता है। चलिए आपको DRDO के बारे में बताते हैं। DRDO का गठन 1958 में हुआ था। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट लेडीज एंड डायरेक्टर जे मंजुला। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के PDF को ओपन करने के लिए आपको सिंपली 4 अंकों का पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड इसी वीडियो में आपको एक एक करके बताया जाएगा। फर्स्ट डिजिट नोट कर लें आप लोग, फर्स्ट डिजिट है 9। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में BCCI ACU प्रमुख कौन बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर D सबीर हुसैन शेख आदम खांडवावाला। चलिए आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं। सबीर हुसैन शेख अहमद खांडवाला भ्रष्टाचार यानी BCCI भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख बन गए हैं। इससे पहले वह गुजरात के पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। वे 1973 बैच के IPS अधिकारी 70 वर्षीय अजीत सिंह से पदभार ग्रहण करेंगे जिनका कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त हो गया था। 2010 के अंत में गुजरात DGP के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद खंडवाला ने SR समूह के साथ सलाहकार के रूप में काम किया और केंद्र सरकार की लोकपाल खोज समिति का भी हिस्सा थे। चलिए अब आपको BCCI के बारे में बताते हैं। BCCI के सचिव हैं जयसा जी, अध्यक्ष सौरभ गांगुली जी। BCCI का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में और December 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का, हाल ही में किस बैंक के डिप्टी गवर्नर BP कानूनगो रिटायर हुए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर D RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। BP कानूनगो ने अपने कार्यकाल के विस्तार की सभी अपेक्षाओं को कम करते हुए 2 अप्रैल को अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का पद त्याग दिया। उन्हें 2017 में 3 साल के लिए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। उनके कार्यकाल को 2020 में 1 और वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। RBI के अन्य डिप्टी गवर्नर राजेश्वर राव, MK जैन और माइकल पात्रा जी हैं। चलिए आपको पहले RBI के बारे में बताते हैं। RBI का हेडक्वार्टर मुंबई, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी जिसमें 1 अप्रैल को हाल ही में इसका स्थापना दिवस मनाया गया था। प्रेजेंट गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। फर्स्ट गवर्नर सर ऑस्बर्न स्मिथ जो कि नॉन इंडियन, फर्स्ट इंडियन गवर्नर CD देशमुख, फर्स्ट इंडियन लेडी गवर्नर KJ उदेसी। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं BP कानूनगो जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मुंबई के किस पूर्व क्रिकेटर एवं कांगा क्रिकेट लीग के प्रसिद्ध खिलाड़ी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर A महली ईरानी जी का। मुंबई के पूर्व क्रिकेटर और कांगा
लीग के बड़े खिलाड़ी रहे महली ईरानी का दुबई में निधन हो गया। वे 90 साल के थे। बात करें कांगा लीग मुंबई में मानसून के मौसम का प्रसिद्ध क्रिकेट टूर्नामेंट है। बाएं हाथ के बल्लेबाज और विकेटकीपर ईरानी ने लगभग 50 साल तक कांगा लीग में भाग लिया। उन्होंने क्लब स्तर पर बॉम्बे जिमखाना और पारसी साइक्लिस्ट का प्रतिनिधित्व किया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किस महिला अभिनेता ने प्रमुख भूमिका में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए SAG पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वियोला डेविस। इस बार के 27वें स्क्रीन अभिनेता गिल्ड अवार्ड्स में चैडविक बोसमैन ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता के लिए SAG पुरस्कार जीता है। वहीं वियोला डेविस ने सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता का सम्मान जीता है। यू जंग यू ने सर्वश्रेष्ठ महिला सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता और डेनियल कलुआ ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता है। वियोला डेविस एक अमेरिकी अभिनेत्री और निर्माता है। चलिए आपको सेकंड डिजिट बताते हैं। सेकंड डिजिट नोट कर लें आप लोग, सेकंड डिजिट है 8। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सरकार द्वारा कितने लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की अवधि को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 लाख करोड़ रुपए की। बात करें हाल ही में सरकार द्वारा 3 लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की अवधि को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया। इसके दायरे को आतिथ्य यात्रा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण अपनी परिचालन देनदारियों को पूरा करने हेतु संघर्ष कर रहे छोटे व्यवसायों को सहायता या समर्थन प्रदान करना था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आज का, किस कंपनी ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए डिजिट इंश्योरेंस ने क्रिकेटर विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कोहली ने पूर्व में डिजिट इंश्योरेंस में निवेश भी किया है। डिजिट इंश्योरेंस एक सामान्य बीमा कंपनी है। बात करें विराट कोहली भारतीय टीम के तीनों फॉर्मेट के कप्तान हैं। दायित्व के बल्लेबाज कोहली को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये है विराट कोहली जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने। मैंग लेनिंग की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने 4 अप्रैल 2021 को लगातार सबसे अधिक एक दिवसीय जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस टीम ने 4 अप्रैल को माउंटानोवी में 3 मैचों की श्रृंखला के पहले वनडे में न्यूजीलैंड को हारने के बाद यह उपलब्धि हासिल की है। इसी तरह अगर हम इस टीम के इतिहास की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट परिषद का गठन मार्च 1931 में राष्ट्रीय स्तर पर महिला क्रिकेट को संचालित करने के लिए किया गया था। चलिए आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। प्रेसिडेंट है स्कॉट मॉरिसन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेशनल 26 मार्च हाईएस्ट माउंटेन अमाउंट कोशिश को। बात करें ऑस्ट्रेलिया को गेम्स ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है। नेशनल गेम है क्रिकेट। बर्ड है इमू। फ्लावर है एकाकाई पायकनाता। एनिमल है कंगारू। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पद्मश्री से सम्मानित हाल ही में किस मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए शशि कला का। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री शशि कला का 4 अप्रैल 2021 को निधन हो गया है। वे 88 साल की थी। उनके निधन के बाद हिंदी फिल्म जगत में शोक की लहर जग उठी है। 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुकी शशिकला को अपने अभिनय के लिए 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। उन्हें साल 2007 में भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये थी शशिकला जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
विश्व बैंक एवं एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक यानी कि AIIB ने पंजाब को कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी प्रदान कर दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 300 मिलियन डॉलर्स। विश्व बैंक और एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक यानी AIIB ने पंजाब में नहर के पानी पर आधारित 30 करोड़ डॉलर करीब 2190 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजना के लिए कर्ज सहायता मंजूर कर दी है। पंजाब सरकार के बयान के मुताबिक परियोजना का मकसद गुणवत्तापूर्ण पेयजल सुनिश्चित करना और अमृतसर तथा लुधियाना में पानी के नुकसान को कम करना है। चलिए आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में बताते हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स। प्रेसिडेंट है डेविड आर मालपास। चलिए चलते हैं, आपको थर्ड डिजिट नोट कराते हैं। थर्ड डिजिट नोट कर लें आप लोग, 9। थर्ड डिजिट है 9। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष अप्रैल में किसकी जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। बात करें, केंद्र सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाने के लिए 14 अप्रैल 2021 को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक थे, जिन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 12 है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद निम्न में से किसे नया गृह मंत्री बनाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दिलीप वलसे पाटिल जी को। अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप वलसे पाटिल को महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। उनके पास पहले श्रम और आबकारी विभाग की जिम्मेदारी थी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अपनी याचिका में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप, गंभीर आरोप लगाए थे। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, दे रहे हैं, ये हैं दिलीप वलसे पाटिल जी। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। राष्ट्रीय समुद्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 अप्रैल को। भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल यानी नेशनल मैरिटाइम डे हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों में समुद्री व्यापार और यातायात के प्रति जागरूकता फैलाना है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस को साल 1964 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। यह दुनिया भर के महाद्वीपों के बीच सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से अनुकूल वाणिज्य का समर्थन करने हेतु जागरूकता फैलाने का अवसर प्रदान करता है। चलिए चलते हैं पिछले दिन के ऑनलाइन करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। डिजिटल भुगतान में भारत सबसे आगे रहा है। एम वेंकैया नायडू जो कि उपराष्ट्रपति हैं, डॉक्टर शैलेंद्र जोशी की पुस्तक सुपारी पालन का विमोचन किए हैं। कुछ किस संगठन यानी FAO ने फॉरेस्ट गवर्नमेंट्स बाय इंडिजिनियस एंड ट्राइबल पीपल्स रिपोर्ट हाल ही में जारी की है? भगवती सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद शादी के लिए जबरन धर्मांतर पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य गुजरात बना है। बात करें नितिन गोखले, जिन्होंने मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक लिखी है। UPI पर बिलियन ट्रांजैक्शन पार करने वाली पहली कंपनी फोन पे बन गई है। बांग्लादेश की सरकार ने सभी सार्वजनिक यातायात निलंबित करने की घोषणा की है। बात करें एसले बार्टी जो कि एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी है, ने मियामी ओपन टेनिस का खिताब दूसरी बार जीत लिया है। भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश देश के छात्रों को मुफ्त सोया छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था भारत के पहले प्रधानमंत्री का निधन हो गया, उनका क्या नाम है? इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी, दिग्विजय सिंह ज्याला। क्वेश्चन नंबर 2 था, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना राज्य में। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द
डी की तरफ। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस हाल ही में कब मनाया गया? क्वेश्चन टू है आज का, किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कलिंग रत्न सम्मान प्राप्त किया है? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स वीडियो के लिए आप अपने चैनल ऑनलाइन शीडियोस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन शीडियोस को तुरंत ज्वाइन कर लें क्योंकि वहाँ पे सीटें लिमिट है। और लास्ट में आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर अभी तक आपने हमारे फरवरी 2021 के मोस्ट 200 प्लस करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं देखा है तो अभी आप लोग प्लेलिस्ट मंथली करंट अफेयर्स में जाके देख सकते हैं। आज का लास्ट डेट नोट कर लें आप लोग, लास्ट डेट है 9। थैंक्स फॉर वॉचिंग।